हेलो गाइस, श्री शिवाय, नमस्ते दम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपको कान्हा जी की पोशाक बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम चोली बनाएंगे गाइस। ये हमने नॉट बना ली, अब चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। गाइस, ये हमारी 18 चैन हो चुकी हैं। एक, दो, तीन, तीन चैन स्किप करेंगे और चौथी चैन में, तीसरी चैन में गाइस देखो, एक, दो, तीन, तीसरी चैन में हम दो स्किप करके तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, एक, दो, हर चैन में गाइस दो दो बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे और रो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, करते हैं रो कंप्लीट। तो देखिए गाइस, ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसे टर्न करेंगे और दो चैन बनाएंगे गाइस, एक, दो, और फिर हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे गाइस, एक, फिर इसी में एक और लेंगे। देखो, दोबारा से देखो गाइस, हमने ये दो चैन कर ली। अब इसमें से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे गाइस, एक, एक ये चैन हो गई, एक ये दो हो गई। अब तीसरी में गाइस हम डबल क्रोशिया एक चैन में दो बार ही करेंगे। पहले में एक, फिर दूसरे में एक, तीसरे में डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे गाइस। देखिए, तो हम अपनी रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है, देख सकते हो। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो चलो इसे टर्न करेंगे, एक, दो, तीन, तीन राउंड हो गए गाइस, तीन चैन हो गई, सॉरी। अब एक और दो, तीन, चार, ये हो गए हमारे पांच। देखिए गाइस, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हो गए। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ स्किप करेंगे और नौवीं चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे गाइस। ये हमारी हो गई नौवीं चैन में डबल क्रोशिया। तो देखिए गाइस, अब दस लेंगे, दस चैन पीछे से लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये हो गए हमारे दस। अब गाइस, आठ स्क्रिप करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। देखिए, आठ स्क्रब करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच यहाँ हो गए, छः, सात, आठ। गाइस, हम आठ स्क्रब करेंगे, नौवीं चैन में डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए, हमारी ये डबल क्रोशिया हो गई है। अब देखिए गाइस,
दो हो गए, तीन, एक दो तीन हो गए, तीन के बाद चार, और ये हो गए हमारे पांच। गैस देखो इस तरीके की लग रही है, इस तरीके से बनी है। अब चलिए एक राउंड और करते हैं, तब चोली कंप्लीट हो जाएगी। तीन चेन ले ली, और गैस इसके नीचे वाली रो में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार चार। अब पांच में पांचवें राउंड में हम हर चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे गाइस। तो चलिए एक दो तीन ऐसे ही राउंड में कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारी चोली बन के तैयार हो चुकी है। अब हम बेस से स्टार्ट करेंगे गाइस। तो देखिए तीन चेन लेंगे, अब फर्स्ट होल में ही हम दो दो बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे, हर चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे। इस तरीके से पहला राउंड बेस का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये इस तरीके का लुक आया है। देखो अब हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे स्लिप स्टिच कर देते हैं गाइस। देखिए ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम तीन चेन लेंगे, पहले हमने एक एक चेन में दो 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 निकाले थे, अब फर्स्ट चेन में दो करेंगे और फिर उससे आगे वाली चेन में एक, पहले दो एक चेन में दो, फिर दूसरी चेन में एक, फिर इसी तरीके से रो कंप्लीट करेंगे गाइस। एक चेन में दो, फिर एक चेन में एक, एक चेन में दो, एक चेन में एक, इस तरीके से रो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस इस तरीके का लुक आएगा, दिखाते हैं। देखिए गाइस इस तरीके की आई है लुक। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए तो चलिए हम तीन चेन बनाएंगे गाइस। अभी हमने दो एक करा था, अब हम दो के ऊपर दो और एक के दोनों साइड में एक एक, मतलब दो एक चेन में दो, फिर एक चेन में एक, फिर एक चेन में एक, मतलब पहली चेन में दो, फिर उससे आगे एक, फिर उससे आगे एक, इस तरीके से दो एक 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 जाएगा। ठीक है, पहले एक था एक, अब दो में एक एक होगा और एक में दो, इस तरीके से रो कंप्लीट करेंगे गाइस। देखिए हमारा लुक ऐसा आ रहा है, चलिए मिलते हैं आगे। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बेस बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम डिजाइन लगाएंगे, तो देखिए डिजाइन कैसे लगाते हैं, कलर लगाएंगे गाइस। तो देखिए इस तरीके से दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, एक ये हमने लॉक कर दिया गया। देखिए अब हम यहीं पे एक डबल क्रोशिया लेंगे, ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई, दो चैन बनाएंगे, एक दो, और एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में डबल क्रोशिया कर देंगे, एक दो, फिर हम दो चेन लेंगे और फिर एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से हम लूप बनाते आएंगे। चलिए तो गाइस कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस ये इस तरीके से लुक आया है हमारा, और अब हम आपको डिजाइन बना के दिखाते हैं हल्की सी। इसमें ये हमने लॉक कर लिया है,
गाइस चार चेन बनाएंगे, एक एक दो तीन चार, ट्रिपल कुर्सिया का धागा लपेटेंगे और इस वाले लॉक में देखो ये जो पास वाला है इसमें डालेंगे, एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार, ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटेंगे दो बार, फिर एक बार और डालेंगे इसी में, एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार, तीन बार निकल गए। अब चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बन गई गैस। अब इस तरीके से इसमें हाफ डबल क्रोशिया में एक साथ निकाल देंगे, इस तरीके से ये लुक आएगा गैस। एक बार और बता देती हूँ, अब ये सेकंड नंबर का ये तो हमने कंप्लीट कर दी, अब इसमें बनाएंगे तो इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे एक साथ, ये लॉक हो गया। अब चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चैन हो गई, एक बार धागा लपेटा, दो बार धागा लपेटा, इस तरीके से एक बार निकालेंगे, दो बार निकालेंगे, तीन बार निकालेंगे, फिर दोबारा से एक और ट्रिपल कुर्सिया, एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार निकाला, एक दो तीन चार, लॉक कर दिया। इसी वाली चेन में हम चार कुर्सियां करते हैं, इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे गाइस। देखिए एक होल में दो ट्रिपल कुर्सियां करते हैं और दो तरफ से लॉक करते हैं गाइस, तो ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ है, देखिए गाइस, देखिए गाइस ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।